ضروري في مدريد. सारे वापस उठाना i = minus 1 सो हमें i square is equal to रूट चला जाएगा तो है इसके लिए भी कुछ नहीं माइनस वन यहाँ पर दो चार पर तीसरा तीसरा क्या आई क्यू आई क्यू आई क्यू आई क्यू मतलब क्या आएगा आई स्क्वायर I square into 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 I square into
I raise to four मतलब क्या हो गया? I raise to four मतलब क्या हुआ? I square into I square बराबर ना? I square into I square, I square की कीमत कितनी? minus one की कीमत कितनी आती? One. I कितना है?
आई इज इक्वल टू क्या हो गया रूट माइनस वन, आई इज इक्वल टू क्या हो गया रूट माइनस वन, उसके बाद आई इज इक्वल टू रूट माइनस वन, आई स्क्वायर इज माइनस वन, याद रखने वाले का आई मतलब रूट माइनस वन, आई स्क्वायर इज माइनस वन, आई क्यूब इज माइनस आई, और आई रेस टू फोर इज वन। देखो आई पहला आई फिर माइनस वन फिर माइनस आई प्लस वन, आई माइनस वन माइनस आई प्लस वन, ये चार तो कम से कम याद रखना पड़ेगा। आगे निकालने रूट पे आई रेस टू फिफ्टी, क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं, आई रेस टू फिफ्टी निकालो, आई रेस टू 318 निकालो, आई रेस टू 999 निकालो वगैरह वगैरह। चारों डिग्री ये चारों चारों आसानी से समझ में आ गई क्या, रूट आई ये आई आई स्क्वायर आई क्यूब इज टू फोर, चारों आसानी से समझ में आ गई क्या। I square, I raise to 0, I raise to I cube, I raise to 4. बढ़ेंगे आगे, ठीक है। अब यहाँ से आगे आई रेस टू फाइव मतलब क्या, आई रेस टू सिक्स मतलब क्या, उसका फॉर्मूला बनाया हमने, इसके आगे सात का फॉर्मूला बनाया, क्या फॉर्मूला बनाया, कैसे सॉल्व करने का, फॉर्मूले से आपने कोई लेना देना नहीं, सॉल्व कैसे करने का, लेकिन आई रेस टू फिफ्टी लेंगे, उधर ही सॉल्व करता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करने का बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं आई रेस टू फिफ्टी फाइंड आउट, क्या प्रॉब्लम है, फाइंड आउट आई रेस टू फिफ्टी बोल रहे हैं, ओके आई रेस टू फिफ्टी कैसा निकालेंगे इसको, अगर चार से ज्यादा तो आई रेस टू फोर लिखने का और उसको ब्रैकेट में डालने का, सॉल्व कैसा करने का बता रहा हूँ, सिंपल टेक्निक बता रहा हूँ, है ना, आई रेस टू फोर डिग्री राइट, और उसको ब्रैकेट में डाल देंगे, आई रेस टू फिफ्टी फाइंड आउट करने का, आई रेस टू फोर डिग्री चार से ज्यादा अगर है तो आई रेस टू फिफ्टी लिखेगा और उसके करीब में मल्टीप्लीकेशन लेके जा रहे हैं, कितना हो गया 12 क्यों किया मैंने 48 हो गया, अब कितना बचा 50 के लिए 2 बचा इनटू देखो समझ में आ रहा है, सिंपल लॉजिक अप्लाई किया, सिंपल लॉजिक अप्लाई किया, आई रेस टू 50 को मैं स्प्लिट करके लिख रहा हूँ, पहले चार के मल्टीप्लीकेशन का लिख लिया, क्यों, क्योंकि आई रेस टू 4 इज इक्वल टू 1 मेरे को पता है, तो आई रेस टू 4 की कीमत 1 सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, अच्छा वो नेक्स्ट स्टेप में मैं करूँगा, स्टेप बता रहा हूँ, सबसे पहले क्या करेंगे, आई रेस टू 4 से ज़्यादा का अगर मेरे को प्रॉब्लम आता है सॉल्व करने के लिए तो आई रेस टू 4 और उसका मल्टीप्लीकेशन मैं लिख दूंगा, बराबर ना, तो आई रेस टू 4 50 दिया है तो 50 के करीब मैं कहाँ जाऊँगा, आई रेस टू 4 रेस टू 12, ये कितना हो गया 48, 48 फिर कितना बचा 2 बचा, तो पावर की एडिशन होती है, तो ये 48 प्लस 2 50 हो गया, तो प्रॉब्लम मैंने क्या किया 50 है, लेफ्ट हैंड साइड में भी आई रेस टू 50 है, राइट हैंड साइड में भी आई रेस टू 50 है, सिर्फ राइट हैंड साइड में आई रेस टू 50 को मैंने स्प्लिट करके लिखा 3 इसमें, आई रेस टू 4 रेस टू समथिंग इनटू आई रेस टू 2,
फिर जो बचेगा वो राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अभी अगली स्टेप क्या आएगी, अब हमको और मैरिज स्टेप सिंपल है, अगली स्टेप क्या आएगी, आई रेस टू फोर की कीमत कितनी हमको मालूम है, आई रेस टू फोर इज प्लस वन, सो प्लस वन रेस टू ट्वेल्व इंटू आई स्क्वेयर राइट। वापस अब आई रेस टू फोर वन वन रेस टू ट्वेल्व कितना आता है, वन रेस टू ट्वेल्व एनी थिंग रेस टू वन रेस टू एनी थिंग ऑलवेज वन, वन की पावर कितनी भी रहेगी कितना आता है पॉजिटिव, वन वन की पावर पॉजिटिव कितनी भी रहेगी कितना आएगा, वन ही आएगा। और आई स्क्वेयर मतलब कितना, आई स्क्वेयर मतलब आपके वन, आई स्क्वेयर हमने फाइंड आउट किया था, आई स्क्वेयर मतलब कितना माइनस वन राइट। सो वन इंटू माइनस वन आंसर कितना आ गया, आंसर इज माइनस वन। तो आई रेस टू फिफ्टी का आंसर कितना आ रहा है, माइनस वन, आई रेस टू फिफ्टी का आंसर कितना आ रहा है, माइनस वन, चेक करो आई रेस टू फिफ्टी का आंसर, देखो कितना है, आई रेस टू फिफ्टी का आंसर कितना आ रहा है, माइनस वन। समझ में आया, चलो आई रेस टू सेवेंटी का निकालो, आई रेस टू फिफ्टी टू का निकालो, आप निकालो आई रेस टू फिफ्टी वन का, मैं बताता हूँ आई रेस टू फिफ्टी वन का बताता हूँ, आई रेस टू फिफ्टी वन का कितना आएगा, फिफ्टी वन मतलब ये आई रेस टू फोर इंटू ट्वेल्व वैसे ही रहेगा, यहाँ पे आई क्यूब हो जाएगा बराबर, क्या यहाँ पे आई क्यूब हो जाएगा, क्योंकि तीन बचेंगे ना, अड़तालीस और तीन फिफ्टी वन, फिफ्टी वन अगर मैं ले रहा हूँ, फिफ्टी वन का प्रॉब्लम अगर ले रहा हूँ, फिफ्टी वन विथ क्यूब हो गया, ये सही वैसे ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा आई क्यूब हो जाएगा, सो वन इंटू दिस, तो दिस इज माइनस आई हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, माइनस आई, फिफ्टी वन का आंसर क्या आएगा, माइनस आई, फिफ्टी वन का आंसर क्या आएगा, माइनस आई, समझ में आ रहा है। चलो लो अगले प्रॉब्लम लो, आई रेस टू सेवेंटी, आई रेस टू सेवेंटी वन, आई रेस टू सेवेंटी टू, आई रेस टू सेवेंटी फोर, सत्तर इकहत्तर बहत्तर तिहत्तर चौहत्तर, पाँच पाँच प्रॉब्लम, आई रेस टू सत्तर, जल्दी लो आई रेस टू सत्तर, सत्तर इकहत्तर बहत्तर तिहत्तर चौहत्तर, पाँच प्रॉब्लम मेरी, सत्तर इकहत्तर बहत्तर सेवेंटी सेवेंटी वन सेवेंटी टू सेवेंटी थ्री सेवेंटी फोर, I raise to 70, I raise to 71, I raise to 72, I raise to 73, I raise to 74. So then you need to find out karo. Find out karo. Find out karo. I raise to 70. Karo then need to. I raise to 70, 71, 72, 73, 74.
सॉल्व करो, जिसका होने वाला बताओ। I raise to 70 कितना आएगा? तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 70 को 68,
टू बचेगा आई स्क्वायर, आई स्क्वायर मतलब गलत हो रहा है, सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं। देखो सुमन का आंसर अलग आया। चलो क्या करते हैं, चलो मैं अभी इसको यहीं पे छोड़ता हूँ, आपको होमवर्क दे देता हूँ और आप वो उस पर करो, इस पर ये सॉल्व करने का। देखो आई रेस टू 50 318 990 माइनस नहीं रहेगा सर, क्योंकि कल अपन उसके आगे का करेंगे। ये होमवर्क डालना है, और होमवर्क डाल के आपने सबने चेक ग्रुप पे होमवर्क डालो, ग्रुप पे, ग्रुप पे होमवर्क डालेंगे तो क्या फायदा होगा, क्या फायदा होगा, ग्रुप पे होमवर्क डालेंगे तो क्या फायदा होगा, सबको दिखाई देगा। मैं क्या कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, अभी एंड कर रहा हूँ, इट्स ऑलरेडी 11 o'clock मेरा 11 बजे पास, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, क्लोज करेंगे, आवर्स तक आ गया है, 1/1 बाकी है, तो 1/1 वाला बाद में करते हैं, 1/1 वाला बाकी है, देखो प्लस टू माइनस बाकी, माइनस के बाकी, तो माइनस का मैं बाद में समझाता हूँ। 1/i, 1/i² 1/i^5 वगैरह वो देखते हैं बाद में। ये मैंने जो बोला वो प्रॉब्लम्स आप कहाँ पे डालोगे, गूगल ग्रुप पे डालोगे, गूगल ग्रुप पे डालेंगे तो सबको देखने के लिए मिलेंगे, सबको देखेंगे प्लीज। और क्या होगा, एक दूसरे के आंसर फिर मुझे चेक भी करते आएंगे, और सिर्फ चेक नहीं करते आएंगे, लिखने में कहीं गलती हो रही है वो भी समझ पाएंगे। जैसे तस्किन का मैंने ओपन किया, मैंने ओपन की क्योंकि मुझे यहाँ से समझ में आता है कि लिखने में गलती हो रही है, जैसा इसका हैंडराइटिंग थोड़ा सा अननेसेसरी बड़ा है शायद, मुझे ऐसा लगता है इतना बड़ा हैंडराइटिंग नहीं होना चाहिए, बाकी है बहुत अच्छा, राइटिंग वेरी नाइस, आई वगैरह भी बहुत अच्छे से निकाल है ना, जेड भी बहुत अच्छे से, जेड में और टू में फ़र्क है, देखो उसके जेड में और टू में फ़र्क है, नहीं तो फिर क्या होता है बहुत बार कन्फ्यूजन में जेड और टू एक जैसे निकाले तो कैलकुलेशन में बाद में गड़बड़ हो जाए, तो राइटिंग स्टाइल्स इज वेरी गुड है ना। तो आपके राइटिंग स्किल में कुछ गलती है क्या, वो मेरे को समझ में आएगा, आपको पता पाऊंगा है ना, गलती हो रही है कुछ हो रही है। बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, जो बोला था वो पूरा है, सो ये करके होमवर्क करके भेजा है, स्किन नाइस राइट, बाकी लोग नहीं कर रहे, सभा का भी आया है, सभा का देखते, सभा का भी आया है, और किसका आया, और साइमा का आया, बाकी किसी का नहीं आया। दो लाइन एमसीक्यू में तो काम नहीं आएगा, पर 12th के पेपर में तो काम आएगा ना, वेरी नाइस, वेरी गुड। अभी ये 5 प्रॉब्लम भी सॉल्व करो, और वो 3 भी है वो भी सॉल्व करो, और एक्सरसाइज भी सॉल्व करो, एक्सरसाइज भी बहुत सारा सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, 1.1 पता नहीं क्या है ना, सॉल्व एग्जांपल भी देख लो, आप सॉल्व एग्जांपल देखो जो आ गया वो हो गया, नहीं देखते सॉल्व एग्जाम्पल मत करो, मैं करता हूँ ये कर सकते हैं आप, एक्सरसाइज 1.1 कर सकते हैं, सिंप्लीफाई वाला पहला चाप पहले पहला क्वेश्चन कर सकते हैं, उसके बाद में दूसरा भी कर सकते हैं, कॉन्जुगेट लिखना है दूसरा भी हो सकता है, फाइंड ए एंड बी तीसरा भी क्वेश्चन कर सकते हैं, तीसरा क्वेश्चन 3 तक क्वेश्चन करो, तो 3 क्वेश्चन होमवर्क, और ये 70 वाले 5 प्रॉब्लम, 70, 71, 72, 73, 74 इसका होमवर्क मुझे भेजना है, 1.1 के एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 और 71। चलो ठीक है, सो आई जस्ट क्लोज डाउन, मेंटेन द मीटिंग, और इसका रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे देखने के लिए मिलेगा, आप देखो बार बार बोलो यूट्यूब के रिकॉर्डिंग देखो, बहुत सारे लोगों ने देखना छोड़ दिया यूट्यूब।